तो वहीं 7 चरणों में हो रहे चुनाव के तहत सभी राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए अब तक 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 7वें चरण के लिए मतदान 1 जून को होगा, जिसमें यूपी की कुल 13 सीटें शामिल हैं। इस अंतिम चरण की लड़ाई के लिए बीजेपी ने अपने संगठन को झोंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 1 जून को होने वाले मतदान की पूरी तैयारियां कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज एक बैठक हुई और बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। लखनऊ से संवाददाता रेहान वापसी ने यूपी सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर से खास बातचीत की। इस दौरान सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने बीजेपी की एक तरफा जीत का दावा किया, साथ ही क्या कुछ कहा आइए आपको सुनवाते हैं। चरण का मतदान 1 जून को होना है और भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं, हमारे साथ सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे सर क्या तैयारियां हैं। बहुत बढ़िया तैयारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछले जो चुनाव हुए 67 की 67 सीटें जीत रही है और आगे जो 13 सीटें बची हैं उनके बारे में हमने योजना रणनीति ठोस बनाई है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी का भी क्षेत्र है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी जो पूर्व की लोकसभा है गोरखपुर का भी क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिलेगी और बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे जीतने जा रहे हैं। जहां कहीं संघर्ष भी था वो भी धीरे धीरे देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जिस तरीके से काम पिछले 10 साल में, उनसे प्रभावित होकर जनता हमारे साथ आ रही है। सर कल वाराणसी में जो है अखिलेश और राहुल गांधी का रोड शो है, इसे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? अब रोड शो क्या ये रोड शो होगा हुड़दंग शो होगा पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से इन अराजक लोगों का समूह अराजक लोगों का संगठन समाजवादी पार्टी है, ये लोग जहां भी जाएंगे अराजकता फैलाएंगे, हुड़दंगई करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो वही 200-400-500 लोग मिलकर सभी जगह बैठ उनकी रैलियों में जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, हा हल्ला हुड़दंग करें और देश की प्रदेश की जनता जान चुकी कि इन अराजक लोगों के साथ अगर गए तो ये पूरे प्रदेश को बर्बाद करने का काम करेंगे और मुझे लगता है कि इन हुड़दंगियों के लिए इस प्रदेश में कोई जगह नहीं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से बुलडोजर चलाया है, ये सभी बुलडोजर के डर के मारे इकट्ठे हो रहे हैं और ऐसे माफिया गुंडों को सबक सिखाने के लिए 4 जून के बाद फिर से बुलडोजर चलने वाला है। अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं कि 4 जून को एक पिक्चर रिलीज होगी, एक थी बीजेपी, क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि अब राहुल गांधी जी और अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन निश्चित रूप से जो वो ये बात कह रहे हैं वो उनके ऊपर पूरी तरीके से सटीक बैठेगी। जिनको जिनके पास अभी वर्तमान कितनी सीटें हैं तो वो किस उस पे कह रहे हैं, और राहुल गांधी जी इटली का टिकट कटा चुके हैं और इटली में बैठकर वो अपनी पिक्चर देखेंगे कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने जो पिक्चर देखी है वो बहुत ही डरावनी और भयानक है, ऐसी पिक्चर देखकर उनका दिल कांप जाएगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेपीएस राठौर सहकारिता मंत्री मौजूद थे, जिन्होंने का साफ तौर पर कहना है कि 1 जून को सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। कैमरामैन आदित्य के साथ रेहान वारसी, MKN न्यूज। चरण का मतदान 1 जून को होना है और भारतीय जनता